खबरें फटाफट में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर कसा तंज, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में गुटों में बटी है भाजपा। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में दिव्य हिमाचल मीडिया समूह के डांस हिमाचल डांस प्रतियोगिता में 50 युवक व युवतियों ने दिखाया हुनर का जलवा, ऑडिशन को लेकर जबरदस्त उत्साह। स्मार्ट मीटर खरीद योजना के चक्कर में बिजली बोर्ड के उपभोक्ता परेशान, मंडी जिला में ही नए विद्युत मीटर लगाने के 7000 मामले लंबित। हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगों ने बनाई करोड़ों की संपत्ति, एसआईटी के हाथ लगे कई अहम सबूत। धर्मशाला में जेबीटी के बैचवाइज 166 पद भरने के लिए काउंसिलिंग शुरू, 22 नवंबर तक चलेगी काउंसिलिंग। खैरा में सुन्नी डैम परियोजना के प्रभावितों ने दिया धरना, 11 पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने एसजेवीएनएल व कंपनी अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। बिलासपुर में जिला खैर उत्पादक संघ ने सरकार और वन विभाग से उठाई निशानदेही की मांग, उत्पादकों में गुस्सा। हमीरपुर जिला के क्षेत्रीय अस्पताल नादौन में स्वास्थ्य मेले में पहुंचे सैकड़ों लोग, मरीजों को बांटी मुफ्त दवाइयां। बिलासपुर में कवियों और साहित्यकारों ने पहाड़ी व हिंदी रचनाओं से लूटी वाहवाही, समाज में फैली कुरीतियों पर किया प्रहार। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर बिलासपुर के बलोह में लोगों ने रोकी गाड़ियां, सड़क की बदहाली पर दी आंदोलन की धमकी, धूल से परेशान। सोलन के परवाणु में गौष्टमी पर भजन कीर्तन से महिलाओं ने भक्तिमय बनाया माहौल, भंडारे में लोगों ने ग्रहण किया प्रसाद। श्री गुरु सिंह सभा सदर बाजार डलहौजी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव को लेकर निकाली प्रभात फेरियां, वातावरण में बही भक्ति की धारा। लाहौल स्पीति के केलांग में 1600 लोगों के आधार कार्ड किए अपडेट, नए आधार कार्ड भी बनाए। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।